आजकल वो जमाना नहीं है कि अगर बेगम की और बच्चे की तस्वीर दिखा दिया तो करियर खराब, ऐसा नहीं होता, सादा दिखाते हैं, इसलिए मैं आपकी पिक्चर नहीं, नहीं मैं तो प्राउड होकर दिखाता हूं क्योंकि मैं खुश होता हूं और फोटो सेशन है भाई, ओ माय गॉड माशाल्लाह क्यूट। आजकल वो खत्म हो गई बात, पहले हीरोज की शादी की पिक्चर है, ये मेरे निकाह की पिक्चर है। अरे ये कौन लड़का है भाई, ये तो लग ही नहीं रहा ये लड़का। हां मैं भी यही देख रही हूं। ओए होए आहा जबरदस्त, बहुत खूबसूरत, बहुत क्यूट है, बेटी के साथ वीडियोस भी कितनी प्यारी है। So, वो आप जमाना चेंज हो गया, आप प्राउडली दिखा सकते हैं कि ये बिल्कुल मैं प्राउडली दिखा सकता हूँ और मैं कहता हूँ मेरा सपोर्ट सिस्टम है मेरी भाई, बिल्कुल मुझे लाने वाली, अच्छे ड्रामे मिलते हैं मुझे लाने वाली यही थी मुझे लाने वाली यही थी इस फील्ड में, क्योंकि मैं इतना शाय था। हाँ और क्योंकि हमेशा स्ट्रिक्टनेस रही घर पे तो मुझे अलाउ भी नहीं था निकलना घर से। हाँ। फादर हमेशा कहते थे कि घर पे रहो, कोई फ्रेंड्स नहीं है, पढ़ना है सिर्फ तुमने, सिर्फ पढ़ना है। अब क्या अब्बू कहाँ है, मुझे उनको कुछ कहना है। तो हमेशा से डर था लोगों फेस करना। हाँ। इस तरह सख्त अब्बू तो जैसे वो घर आते थे सब चुप हो जाते थे। हाँ, बिल्कुल ऐसे था। ओए, भी तो फिर शादी के बाद ऐसा हुआ कि इन्होंने कहा कि तुम मॉडलिंग करोगे, मैंने कहा मैं करूंगा मॉडलिंग। किस इन्होंने, किन्होंने, आपकी बेगम ने? मेरी बेगम ने। ओह मॉडलिंग करनी है, मैंने कहा मैं कैसे करूंगा, मेरी हालत देखो, मैं कहती तुम चलो मेरे साथ, मुझे यही लेके गई थी ऑडिशन के लिए, इन्होंने ऑडिशन करवाया, मेरे साथ शूट्स में जाना शुरू। सही सेलेक्ट किया अब्बू ने बहू, खुद जर्नलिस्ट है वो, माशाल्लाह उनका काम था, वो समझती थी, उन्होंने कहा तुम करो। ऐसा ऐसा हो जाए, कभी ना कभी आपको कोई ना कोई सपोर्ट सिस्टम चाहिए था, आपकी वाइफ बनी सपोर्ट सिस्टम।